हेलो एवरीवन दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमारे सामने है ये इस तरह की झालर जो कि हमारी एलईडी झालर है जो कि हमारी रिमझिम जलती है। तो दोस्तों, ये जो हमारी इसमें डिब्बी लगी हुई होती है, इसके दोस्तों अंदर क्या क्या कंपोनेंट लगे हुए होते हैं वो सब इस वीडियो में बताएंगे। तो दोस्तों, एक बार मैं आपको इसको जला करके दिखा देता हूँ कि हमारी किस तरह की जलती है। उसके बाद हम इस डिब्बी को खोलेंगे, इसके अंदर देखेंगे क्या क्या होता है। तो सबसे पहले हम इसे इसे लगाएंगे। लगाने के बाद में दोस्तों देखिए इस तरह से हमारी जलती है, ये देखिए। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, कुछ इस तरह से हमारी जलती है। ये दोस्तों देखिए, इसमें मल्टी कलर होते हैं। तो दोस्तों, ऐसा क्या होता है डिब्बी के अंदर जो कि हमारी ये वर्क करती है, तो इस वीडियो में आपको दिखाएंगे। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहना। तो सबसे पहले करते हैं हम इसे, इसका स्विच निकालते हैं। निकाल हमने स्विच निकाल लिया है। अब दोस्तों हम इसे खोलते हैं। खोलने के बाद में देखते हैं कि किसके अंदर आखिर होता क्या क्या है। दोस्तों वीडियो में लास्ट तक बने रहना, तभी आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो दोस्तों देख सकते हैं आप, ये हमने इसे खोल लिया है, ठीक है। तो दोस्तों इस तरह का कुछ इसका सर्किट है। तो अभी इसे सर्किट को निकालने वाले हैं हम। तो दोस्तों ये देख सकते हैं आप, ग्लूगन से चिपका हुआ है, तो इसे आराम से हम निकालेंगे पहले। तो दोस्तों आप देख सकते हो, ये हमने निकाल लिया, ठीक है। अब दोस्तों इसके अंदर आप देख सकते हैं कि ये जो हमारी आजकल की आ रही हैं, जो एलईडी आ रही हैं, दोस्तों आप देख सकते हैं इसमें किस तरह की ये कंपोनेंट आने लगे हैं, ठीक है। दोस्तों पहले आप देखते थे कि हमारे बीसी 547 या इस तरह के रेजिस्टेंस वगैरह या जो हमारे कैपेसिटर हैं उस तरह के लगे हुए होते हैं, बट जो हमारी जो ये इस तरह की जो अब एलईडी आती हैं, जो इस तरह की झालर आती हैं, उनके अंदर दोस्तों अब इस तरह के पीसीबी आने लगी है। अगर आप ये जो दोस्तों, अगर पीसीबी एक बार ख़राब हो गई ना, तो दोस्तों ये बहुत मुश्किल से रिपेयर होगी, ठीक है ना। ज़्यादातर उम्मीद है दोस्तों रिपेयर ही नहीं होगी, ठीक है। तो इस तरह की दोस्तों इसके अंदर ये पीसीबी निकलती है, जो कि अब अगर हम इसे ठीक करने लगें, मतलब ये हमारी झालर तो जल जाएगी, बट ये जो हमारी पीसीबी है ये रिपेयर मुश्किल से होगी, ठीक है। हो सकती है, बट चांस यही है कि ये कम से कम रिपेयर होगी, ठीक है। तो आप देख सकते हैं ये हमारा एक पुश बटन है इसमें लगा हुआ, ठीक है। और ये इस तरह के कुछ हमारे रेजिस्टेंस लगे हुए हैं, ठीक है, ये आप देख सकते हैं। तो दोस्तों आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जरूर करना। और अभी दोस्तों एक बार हम और टेस्ट करने वाले हैं इसे, ठीक है। दोस्तों हम इसे लगाते हैं, ये दोस्तों देखिए, ठीक है, इस तरह से हमारी ये काम करती है। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।